अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में खजूर बॉल्स बनाऊंगी। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ मेरे पास तकरीबन 25 के करीब खजूरें हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ा बादाम है, यहाँ तिल है, यहाँ कोकोनट है, नारियल है यानी कि नारियल का बुरादा है, और यहाँ मेरे पास थोड़ा सा देसी घी है। तो देखते हैं कि कैसे बनाने हैं। सबसे पहले खजूरों में से गुठलियों को रिमूव कर देंगे। ऐसे टक लगा के तो सारी गुठलियों को निकाल लेंगे। ऐसे ही सब खजूरों की गुठलियों को निकाल देंगे। सारी खजूरों से मैं गुठलियों को निकाल चुकी। अब हम यहाँ एक फोक लेंगे और इसकी मदद से एक एक खजूर लेके तो उसे अच्छे तरीके से ऐसे मैश कर लेंगे। ये देखें, ऐसे अच्छे से इसको ऐसे ऐसे करके बिल्कुल इनका मलिदा सा बना देंगे। मैं सारी खजूरों को अच्छी तरीके से गुठलियाँ निकाल के तो उनका फोक के साथ अच्छे तरीके से उनका पेस्ट बना लिया। अब मैं यहाँ हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगाया है इसमें। अब मैं थोड़ी थोड़ी खजूर लूँगी ऐसे। इसके अंदर मैं बादाम रख दूँगी। यहाँ मैंने बादाम लेके उनको हाफ हाफ कट किया हुआ है। आप चाहें तो आप पूरा पूरा बादाम भी रख सकते हैं। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी और अच्छे से इसका एक बॉल बना दूंगी। ये मैं एक बॉल बना चुकी। अब मैं बाकी भी ऐसे ही सारे बना लूंगी। ऐसे ही थोड़ा लेते जाना है और इसमें बादाम को रखेंगे। मैंने यहाँ बादामों को हाफ हाफ कट किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पूरा पूरा भी रख सकते हैं और इसकी बॉल बना लेंगे अच्छे से। यहाँ मैं दूसरा बॉल भी बना चुकी। अब मैं ऐसे सारे बना लूंगी। मैं सारे खजूर बॉल्स बना चुकी। अब मैं इनको कोट करूंगी इसमें। अगर आपके पास घर में सेसमी सीड हैं, आपको सेसमी सीड पसंद है तो आप वो लगा लें। अगर आपको नारियल पसंद है तो आप नारियल लगा लें। बहुत आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अब मैं ऐसे ही सबकी कोटिंग करके तो इनको रख लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खजूर बॉल तैयार हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 मिनट में अगर आपने खजूरों की गुठलियाँ निकाल के रखी हों तो तकरीबन 2 ही मिनट लगते हैं इनको अफ्तारी में बनाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।